हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी किचन में। आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत ही सिंपल और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ धनिया के डंठल से। धनिया के डंठल हम लोग जनरली फेंक देते हैं, उसका यूज़ करते नहीं है। कभी कभार हम लोग उसकी चटनी बनाने में उसका यूज़ करते हैं, अगर वो उसके लायक हो तो। बट ऐसे जो डंठल होते हैं हम लोग जनरली फेंक ही देते हैं, क्योंकि इस डंठल में ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं, फाइबर होते हैं, तो ये सब्जी में हम लोग डाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें खाने के बाद मुंह में थ्रेड जैसा लगता है। बट इसका यूज़ हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि दूसरी हेल्दी रेसिपी बनाने में इसका जूस निकाल के। तो आप देख सकते हैं, इसे मैं क्रश करूँगी तो उसमें से थोड़ा सा जूस निकलता है, ये बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इन डंठल को हम लोग थोड़ा सा उबाल लेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है। डंठल को मैंने अच्छे से साफ करके और धो के रखा है, तो इसे डायरेक्टली मैं यहाँ पे बर्तन में डाल देती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया भी दिया है, उसके भी डंठल थोड़े से मोटे हैं, जाड़े हैं, तो फ्लेवर के लिए मैंने भी हरे पत्ते भी यहाँ पे लिए हैं। और साथ में मैं इसके दो तीन हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ भी मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। थोड़ा सा पानी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको जितना जूस निकालना है इसका और सूप बनाना है तो उसके मात्रा में ही आप पानी लें। इसमें दो तीन हरी मिर्च और तीन चार लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पे डाली है। लहसुन की कलियाँ मैंने छील के नहीं डाली है, छिलकों के साथ ही डाला है। यहाँ पे मैंने 10 से 12 चेरी टोमेटोज लिए हैं। मेरे पास छोटे छोटे टोमेटोज अवेलेबल थे तो मैं भी इसे यहाँ पे उबाल लूँगी। टोमेटोज को भी मैंने धो के रखा है, तो इसे हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल करते हैं। टोमेटोज़ भी बहुत हेल्दी होते हैं, ऐसे टोमेटोज हम लोग सब्जी में ही खाते या सैलड में खाते हैं, बट सूप में भी अगर हम लोग टोमेटोज यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। और एक हेल्दी सी रेसिपी यहाँ पे तैयार हो जाती है, तो इसे मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो गए हैं, 2 से 3 मिनट के लिए इसे और बॉयल होने देते हैं। यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं, धनिया के डंठल भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर यहाँ से आ रहा है, और आप देख सकते हैं टोमेटोज के छिलके भी यहाँ पे निकल गए हैं। तो मैं गैस फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रेनर लिया है और इसके नीचे एक दूसरा बर्तन लिया है, इसमें से पानी छानने के लिए। और सभी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी धो के बॉईल किए थे, तो पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वही पानी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि उस पानी में ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स है और फ्लेवर्स भी है, तो वही पानी हम लोग स्टॉक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग साइड में रख देते हैं, पानी को हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं। और टोमेटोज और धनिया के डंठल अभी गर्म है तो हम लोग उसे साइड में रख देते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे ठंडी हो गई है। धनिया के डंठल, हरी मिर्च और लहसुन को मैं अलग मिक्सर जार में निकाल लिया है, और टोमेटो के छिलके भी आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसे भी मैं थोड़ा सा क्लीन करके छिलके निकाल लेती हूँ। और टोमेटोज को आप चाहे तो पीस भी सकते हैं इस डंठल के, धनिया के डंठल के साथ, बट मैं यहाँ पर टोमेटोज को पीसने वाली नहीं हूँ, ओनली धनिया के डंठल, हरी मिर्च और लहसुन को ही मैं यहाँ पर पीसूँगी। यहाँ पे मैंने जूस निकाल लिया है और इसे स्ट्रेनर की सहायता से हम लोग ऐसे स्ट्रेन कर लेंगे, जितना जूस आप निकाल सकते वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसका जूस निकाल लेंगे। अभी पूरा जूस हम लोग यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे, चम्मच का यूज़ करके आप ऐसे स्ट्रेन कर सकते हैं जूस पूरा। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है धनिया की यहाँ से, और बहुत ही इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इतना सारा मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया है, और बाकी का तो स्टॉक है ही जिसमें हम लोगों ने सभी इंग्रेडिएंट्स उबाले थे। टोमेटो उसके छिलके मैंने यहाँ पे क्लीन करके लिए हैं, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया टोमेटोज आप यहाँ पे लग रहे हैं। टोमेटोज को मैंने पिसा नहीं है, टोमेटोज को मैं ऐसे ही यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ सूप में, क्योंकि टोमेटोज बहुत ही अच्छे दिखते हैं, छोटे छोटे चेरी टोमेटोज है तो उसे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा जूस में, आप ऐसे ही उसे खा सकते हैं एक एक करके, तो जूस में और बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो आइए तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने एक चम्मच तेल लिया है और उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, और आप चाहे तो अदरक भी ले सकते हैं, बट लहसुन का फ्लेवर यहाँ पे बहुत ही अच्छा आता है। उसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना। अब यहाँ पे हम लोग पूरा स्टॉक और जूस जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था वो डालना है, साथ में टोमेटोज़ भी हम लोगों ने उसी में डाल दिए थे। तो टोमेटो जो छोटे छोटे हैं तो उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कट करके भी यूज़ कर सकते हैं या जूस के साथ उसको पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे होल टमाटोज ही लिए हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे दिखते हैं और ये बॉईल है तो खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, उसे बॉईल होने देंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है, उसका थोड़ा सा मैंने पानी बना के यहाँ पे ऊपर से डालूंगी। कॉर्नस्टार्च की क्वांटिटी आप ज़्यादा ना डालें। थोड़ा सा सोया सॉस मैं यहाँ पे डालूंगी और साथ में थोड़ा सा चिली सॉस भी मैं यहाँ पे यूज़ करूंगी टेस्ट के लिए, और एक चम्मच विनेगर डाल देते हैं टैंगी फ्लेवर के लिए। विनेगर से थोड़ा खट्टा सा फ्लेवर आता है, नहीं करना चाहते तो आप उसे ना यूज़ करें, आप ऐसे ही सिंपल सूप बना सकते हैं, बट सोया सॉस और चिली सॉस और विनेगर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर आता है और खुशबू के ज़रिए ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि टेस्ट सूप अपना हमारा कितनी टेस्टी बना होगा। सूप हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल होने देना है ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स हमारे मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर फ्लेवर का बन जाए। गैस फ्लेम मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। फाइनली सूप हमारे यहाँ पे रेडी है। ये सूप बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमारा हेल्दी सा और टेस्टी सा सूप रेडी है। इस सूप को आप गर्मा गर्म ही सर्व करें। इस सूप में टोमेटोज का टेक्सचर और कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर ये सूप दिख रहा है। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि धनिया के डंठल का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे फेंकने के बजाय हम लोग एक हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।